नमस्कार साथियों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। छात्रों के मन में अक्सर सवाल रहते हैं, अगर आप भी छात्र हैं या किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में भी स्वाभाविक एक सवाल उठते होंगे, जैसे आखिर तैयारी कैसे शुरू की जाए, किसी भी एग्जाम की तैयारी आखिर किस तरह से शुरू की जाए, तैयारी के लिए क्या कहीं किसी शहर में क्या बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं और जाने की ज़रूरत है, तैयारी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और जो भी तैयारी में हमारी में सहायक है मटेरियल, जो भी बुक्स हैं ये कहाँ से मिलेंगी हमें, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो किताबें आपके लिए ज़रूरी हैं उन्हें भी देखेंगे, और अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है और आखिर कैसे पढ़ें कि वो याद रहे। इसी तरह के आपके सवाल रहते हैं, क्या नोट्स बनाना जरूरी है, क्या ऑनलाइन स्टडी हो सकती है, क्या मॉक टेस्ट जो रहते हैं इन्हें भी लगाना जरूरी है। तो इस तरह के आपके जो भी सामान्य क्वेश्चंस रहते हैं, सवाल रहते हैं आपके भी मन में, किसी भी छात्र की अगर कोई तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की तो अक्सर उसके मन में ये सवाल जरूर उठते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आप किसी शहर में नहीं जा सकती हूँ और आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मतलब अगर घर से, हर किसी की देखो समस्या होती है, किसी की वित्तीय स्थिति खराब है, कोई किसी और कारण से नहीं जा सकता है सर, तो आपको बिल्कुल भी शहर जाने की ना ही किसी बड़ी इंस्टीट्यूट या कोचिंग की ज़रूरत नहीं है इस समय, क्योंकि इस समय इंटरनेट पर इतना मटेरियल उपलब्ध है कि आप किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी ही एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। और अब आपके मन में उठता है सवाल दूसरा कि कैसे शुरू की जाए, आखिर तैयारी की जाए तो कैसे की जाए। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता है हम कि वो कोई भी काम कर रहे हो आप लोग, जिंदगी का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें उतरने से पहले आपके हाथ में दो काम होना चाहिए, उसका पुराना जो भी हुआ है काम चल रहा है उसका पुराना जरिया क्या है। अगर कोई आप पेपर दे रहे हैं तो उसके पुराने पेपर तो मिलेंगे ना, उसमें किस तरह से पूछा गया है, क्या है उसका सिलेबस, क्या है, ये दो जान लेना चाहिए। ये दो बातें हमेशा आपको जानना है, क्या पहला सिलेबस और ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें मालूम चल जाता है कि इसमें क्या पूछा गया है, किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से अधिक सवाल पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कम सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर कठिन है, कौन सा चैप्टर नॉर्मल है, किसे कितना टाइम देना चाहिए। तो कोई भी एग्जाम हो एक्स वाई जेड, आपको सिलेबस दूसरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, उसका बड़े अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप 10 साल के क्वेश्चंस लेते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस वर्ष में क्या, आप एक औसत निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि आपको सिलेबस निकालना है, और सिलेबस निकालना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि आप गूगल का जमाना चल चुका है, क्या हो चुका है, गूगल का जमाना आ चुका है, इस पर आप लोग कुछ भी लिखिए आपके जवाब जवाब जरूर मिलेगा, बस आपको सही जवाब चुनना है उसमें से और निकाल देना है। ठीक है, तो आप गूगल से अपना सिलेबस डाउनलोड करके रखिए या फिर प्रिंट आउट निकालवा के रख लीजिए, और जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर आपकी दुकानों पर भी मिल रहे हैं और ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो उससे दो चीज़ें हो गई आपकी। ठीक है, अब याद रखिए हमारे मन में सबसे पहले आना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और सबसे जरूरी सवाल यह है क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है तो सबको पता है कि पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं करना है, वो हमारे लिए जरूरी रहता है। ठीक है, तो आपको दो सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आपको किसी भी शहर या बड़ी कोचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही आपको किसी शहर में जाने की जरूरत है।
और वैसे उम्मीद कर सकते हैं हम कि अब हर किसी के पास इंटरनेट और मोबाइल तो उपलब्ध होगा, इतना तो हो सकता है। अगर नहीं है तो खरीद सकते हैं आप लोग, और उस मोबाइल का अच्छे से यूज कीजिए। अब उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह की सोशल मीडिया पर आप लोग टाइम अपना खराब मत कीजिए। सीधी बात, आपको जो जरूरी है उसी काम के लिए इस्तेमाल कीजिए फोन, ठीक है। और मेरी तरफ से सलाह यही है कि फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब बंद करिए, तब तक के लिए जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। उसके बाद चलाइए आपका मन। अब बात करते हैं तैयारी के लिए, आखिर क्या क्या जरूरी है आपके लिए। तो सिलेबस और ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके जरूरी है। आपको इस सिलेबस को एक बार देख लेना है, और याद रखिए एक बार सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं आप लोग। जैसे आपने जीएस लिया, ठीक है, तो जीएस में एक बार आप लोग देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है इसका, कहाँ तक जा रहा है, क्या खत्म हो रहा है, नॉर्मल पढ़ के देख लीजिए एक बार, ठीक है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी बुक लीजिए, आप लूसेंट बुक ले रहे हैं तो मेरी तरफ से यही सलाह है आप लोगों को कि उसे एक बार नॉर्मल तरीके से पढ़ लीजिए। दिमाग पर कोई फोकस नहीं डालना है आपको, बस एक बार नॉर्मल तरीके से पढ़ के आपको निकल जाना है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आपका कितना भी आप दिमाग नहीं लगाएं, फिर भी 20 से 25 से 30% आपकी लूसेंट कवर हो जाएगी। फिर आप जो रटने की चीजें हैं उसे रट लीजिए, निकल जाइए, ठीक है। तो कोई भी बुक्स हो एक बार उसे नॉर्मल तरीके से पढ़ के जरूर देख लिया करिए, ठीक है। तो इसके लिए हम बताएं आपको कि जरूरी क्या क्या है हमारे लिए मटेरियल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर किसी भी एग्जाम में कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, क्या क्या होगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, तो इसके लिए आपको बता दें, मैथ के लिए आप लोग आरएस अग्रवाल ले सकते हैं, और दूसरी यूट्यूब चैनलों पर बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। जब आप सिलेबस निकाल लेंगे तो उसके पास आपके पास टॉपिक आ जाएंगे कि किस टॉपिक से क्या आता है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करके उस टॉपिक को उससे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और अपने पास टॉपिक बाय टॉपिक नोट बनाकर रख लीजिए नोट्स, जिससे आगे आपको जरूरी है। यूट्यूब पर बहुत कुछ पढ़ा रहेगा, जैसे आपका प्रतिशतता का कोई चैप्टर है, ठीक, तो आप सर्च करेंगे आ जाएगा, उसमें से आप उसमें से अच्छा अच्छा अपने लिए जो जरूरी है मटेरियल उसे छांटिए और नोट्स बना लीजिए और छोड़ दीजिए यूट्यूब, ठीक है। दूसरा आपका रीजनिंग के लिए आप लोग अरिहंत की ले सकते हैं, और इंग्लिश के लिए आपकी कई हैं, अरुण सिंघा शर्मा की आती है, बीके सिंघा है कोई उसकी भी आती है, किरण प्रकाश की आती है, एसपी भक्सी है कोई उसकी भी आती है, तो आप ले सकते हैं। मेरी मानो तो एक काम करिए, सबसे पहले आप लोग सिलेबस लीजिए, उसके बाद क्या करिए आप लोग एक बार पूरा सिलेबस कवर करिए, जहाँ से जो मटेरियल मिले उसे इकट्ठा कीजिए। जब आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो आपको 1000 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ठोस मटेरियल लीजिए उसे ही पढ़िए, ठीक है। तो इसके लिए मैं बता दिया आपको, आरएस अकबाल लूसेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, और फिर इसमें बता दें आप लोगों को मेरी तरफ से क्या आपको मिलेगा उसे भी बता देते हैं। मेरी तरफ से जो भी रहेगा, आज नहीं जब तक मेरी कैपेबिलिटी मतलब मेरी क्षमता है, तब तक आपको बिल्कुल फ्री मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं होगा कभी भी, ठीक है, और बस आपको एडजस्ट करना है, और जो भी होगा वो कंप्लीट दिया जाएगा। जैसे मेरी तरफ से जीएस, आपको जो भी जीएस का आपका पार्ट है उसे पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग यूट्यूब चैनल पर या कहीं भी जिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग उपस्थित हैं, वहाँ IASPSC मोटिवेशनल स्टूडेंट जॉन, क्या लिखेंगे आप लोग, IASPSC मोटिवेशनल स्टूडेंट जॉन, इसे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग फिले लिस्ट सूची में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फिले लिस्ट सूची में, या आपको देखिए अगर आप लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने बताया है कि क्या क्या कौन कौन सी किताबें जरूरी हैं। तो NCERT किताबों का पूर्ण कवरेज आपका इसमें शामिल हुआ है,
जो आपके ISBCS के लिए मॉक टेस्ट रहती हैं वो इसमें जनरल स्टडीज के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है इसमें डली हुई है, और जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं जैसे SSC हो गया, रेलवे बैंक, उसके जो भी मॉक टेस्ट होते हैं आपके सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी MCQs की प्लेलिस्ट सूची में डली हुए हैं। जैसे आपके जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो गया, राम मंदिर हो गया, जो भी करंट टॉपिक रहते हैं वो इसमें डले रहते हैं बहुत साधारण शब्दों में। अब देखिए कंप्यूटर कंप्लीट कंप्यूटर क्लास, इसमें इतना आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है, इतना मटेरियल दिया गया है कि इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 25 से 30 मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं इसमें और पूरा चैप्टर बाई चैप्टर समझाया जा रहा है। तो अगर आप कर लेते हैं कंप्लीट तो आपको इसके लिए कहीं कंप्यूटर के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर चाहे वो लिखित में हो एग्जाम, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव में। फिर आपका सामान्य ज्ञान लूसेंट की तरह ये थोड़ा विस्तार है इसमें, सामान्य ज्ञान में आपका सभी मिल जाएगा, फिर चाहे हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, अर्थशास्त्र विज्ञान, जो भी लूसेंट एक छोटा मतलब कम मटेरियल है उसमें। लेकिन इसमें सामान्य ज्ञान जो हम लोग बात कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है, इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर बहुत डिटेल से आपको समझाया गया है। अगर आप लोग PCS की भी तैयारी कर रहे हैं तो 1 प्री निकल सकता है इससे आराम से, ठीक है, वो 1 डे एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर आपके कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं जैसे ISRO हो गया, चुनाव आयोग हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, तो इस तरह के संगठन इसमें महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डले हुए। अब मानचित्र याद रखिए, मानचित्र में आपका वर्ल्ड का जो भी पार्ट आपका जो भी भूगोल में से संबंधित है आपका पूरा मानचित्र के साथ बड़ी सरल शब्दों में समझाया गया, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कंप्लीट NCERT बुक्स कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक इसमें उपलब्ध रहेंगी आपकी, ठीक है, एक ही क्लास में। जैसे कक्षा 6वीं की आपकी कोई भी बुक्स है तो एक ही क्लास में मिल जाएगी पूरी, एक ही लेक्चर में, ठीक है। सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है, इसमें आपके जब भी आप लोग पेपर देने जाते हैं उस टाइम आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसे खोलकर देख लें एक बार, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना निकल जाए। स्पेशल वीडियो फॉर ऑल एग्जाम में आपका कुछ 1 डे एग्जाम को रखते हुए या किसी भी तरह के जो टॉपिक होते हैं उन्हें पढ़ा दिया जाता है। इसमें आपका मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूरा पढ़ाया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग देख लें। उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है, देख लें आप लोग। जनरल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पूरी चैप्टर बाय चैप्टर और MCQs के साथ पढ़ाया गया है, इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। अब जो मैंने बात की थी कि सिलेबस आपको रहना चाहिए आपके हाथ में, ओल्ड क्वेश्चन पेपर रहना चाहिए, तो ISBCS के सिलेबस, ओल्ड पेपर जो भी जरूरी थे मैंने यहाँ सॉल्व करके डाल दिए पूरी अच्छे तरीके से बहुत ही साधारण शब्दों में। तो ISBCS के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस फोल्डर को भी IAS के लिए जरूर देखें। ये आपका करेंट अफेयर्स है, समय की घटना चक आती है UPPCS के टाइम वो है, और UPPCS की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस फोल्डर को जरूर खोल कर देख लें। इसमें आपके सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर और सिलेबस आपका बताया गया है, ठीक है। MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो MPPSC में A to Z आपकी पूरी जानकारी दी गई है। तो इसी तरह से आपकी ये लूसेंट की क्लासें हैं, लूसेंट जो भी बुक्स है आपकी वो रिव्यू की गई है, या आपकी फुल GKGS कुछ वन लाइनर में एग्जाम के लिए जरूरी है, और ये आपकी बायोग्राफी जैसे नरेंद्र मोदी हो गए, आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो गए, जो भी चर्चित व्यक्ति रहते हैं उनके बारे में उनकी जीवनी बताई जाती है, उनके बारे में समझा जाता है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर्स, GS, GK, कंप्यूटर साइंस जो भी है इस तरह की, आपका एक पूरा पार्ट सब्जेक्ट कंप्लीट होगा मेरी तरफ से, एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। बस इतना है कि अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ फायदा हो रहा है तो इसे दूसरे तक पहुंचाते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है, जिससे उन्हें भी फायदा हो सके जिन्हें जरूरत है इस चीजों की, ठीक है। और जब आपको फ्री में मिल रहा है तो आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए, उन्हें भी फ्री में मिल जाए। तो आपको क्या बताया मैंने कि सामान्य ज्ञान का आपका पूरा मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा मटेरियल, ठीक है।
इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा वक्ता है आपका मैथ रीजनिंग इंग्लिश। इसके लिए मेरी कोशिश है कि कहीं से व्यवस्था करूं टीचरों की और आप तक पहुंचा दूं, लेकिन मैं पूरा भरोसा नहीं दे सकता हूं कि आपको किसका उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन हाँ, कुछ दिनों बाद मैं उपलब्ध जरूर कराऊंगा क्लासें, ठीक है? उसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी तैयारी पूरी रूप से हो सकेगी। लेकिन आपका जो भी PCS है, IAS है, स्टेट PCS है, और जो आपका सामान्य ज्ञान का जो भी पार्ट आपकी परीक्षा में सम्मिलित है और आपके लिए जरूरी है, वो मेरी तरफ से 100% क्लियर उपलब्ध कराया जाएगा। उससे आगे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है? लूसेंट, जितनी भी आपकी NCERT हैं, NCERT तो सिविल सर्विस के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी नहीं है। तो आप लोग, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट होगा आपके लिए, ठीक है? बस इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत है। और याद रखिए, जैसे ही आप लोग मुझसे जुड़ते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी को भी दबा लें, जिससे जो भी हमारे द्वारा लेक्चर पहुंचाए जाएंगे आप तक, तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, ठीक है? और अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें। मैंने किसी भी लेक्चर में, अगर आपने अभी तक देखे, कई लेक्चर हमने बना चुके हैं, आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं, मैंने कभी नहीं बोला है कि सब्सक्राइब करें या कुछ भी नहीं। अगर अच्छा लगता है जुड़िए, नहीं लगता है छोड़िए, जबरदस्ती थोड़ी किसी को धकेलना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर किसी एक इंसान को भी मेरी तरफ से, मैं जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ मटेरियल, उससे लाभ होता है तो मेरे लिए खुशी की बात है, ठीक है? मैं नहीं, ये नहीं मेरा है कि हर किसी को मेरी तरफ से फायदा हो जाए। चलिए, जिसे जरूरत है उसे तो फायदा हो जाए, उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा, उससे पूछिए कि उसे कितना फायदा हुआ, ठीक है? क्योंकि वही समझ सकता है जिसे फायदा होता है किसी चीज। अब दूसरी बात, आप लोग अपने सवाल मुझ तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो उसके बारे में सुन लीजिए। पहला, आप लोग जीमेल पर SMS कर सकते हैं, क्योंकि जीमेल पर मैं देखता रहता हूँ। दूसरा, आप लोग फेसबुक पेज पर, यहाँ ये सभी लिंक दिए गए हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ हमसे बात कर सकते हैं या अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और दूसरा, PDF जो भी हमारे द्वारा PDF उपलब्ध कराई जाती है, वो टेलीग्राम, यहाँ है एक टेलीग्राम लिंक दी गई है चैनल की, उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो जो भी PDF होगी वहाँ से डाउनलोड करते रहिए, सभी फ्री है, कोई कभी भी उसका चार्ज कभी नहीं लिया जाएगा, ठीक है? याद रखिए। और आप लोग अपने हिसाब से यहाँ जोड़ सकते हैं, सभी की लिंक दे दी है। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए मटेरियल। अब बात करते हैं हम लोग, क्या बात करनी, कुछ आपके और क्वेश्चंस हैं? मेरी तरफ से ये हो गया आपकी। अब लोगों के मन में आते हैं कितने घंटे पढ़ा जाए आके, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं कि कितने, 24 घंटे में कितना घंटे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले मैं एक ही सलाह दूंगा कि आपको 6 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ही जरूरी है। और आप दोपहर में जब भी खाना खाए करें, उसके 15 से 20 मिनट या आध घंटे आप लोग आराम कर लिया करिएगा। जब हम लोग सुबह से पढ़ने बैठते हैं तो 12 बजे तक हमारा दिमाग भरने लगता है, उबने लगते हैं, तो जब भी हुआ करे खाना खाने के 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल आराम, चाहे नींद ले लिया करिए, ठीक है? और 1 घंटे तक हम लोग जब भी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें 5-6 मिनट का टाइम दे दिया करिएगा, रोक दिया करिएगा, 5-10 मिनट पानी वानी पी लिया करिएगा, थोड़ा बाहर घूम लिया करिए, बाहर का मतलब बाहर नहीं, बिल्कुल अपने ही रूम के आसपास, ठीक है? तो इसमें समझ में आ गया कि कितना, 6 से 8 घंटे आपको सोना जरूरी है, क्योंकि बिना भूखे पेट भजन नहीं होता, आपने सुना होगा, और बिना नींद के पढ़ाई भी नहीं होती है, तो नींद भी हमें जरूरी है। उसके बाद जितना टाइम बचता है आप जितना दे सकते हैं दीजिए, ऐसा नहीं कि 24 घंटा बैठना है। और याद रखिए एक बात, और याद रखना है आपको कि अपने परिवार के साथ मिलकर रहिए, ऐसा नहीं कि कहीं आपका परिवार आपके अपने छूट जाए और आप आगे निकल जाए, वो भी अच्छा नहीं है। तो अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहिए और आगे, क्योंकि ऐसी तरक्की का क्या फायदा, आप ही बताइए। आज से देखो यार, धरती पर किसी का भी अस्तित्व स्थायी नहीं है। अब आप अभी देख लीजिए, कोरोना ने
हलचल मचा के रख दिया है। हमारे बाल से भी कई गुना छोटा है कोरोना वायरस, फिर भी उसने औकात दिला दी इंसान की। तो हमें किराए का, जिस तरह हम लोग मकान लेते हैं कि कभी भी निकाल सकता है मकान वाले, तो इसी तरह से किराए का हमें शरीर मिला हुआ है ऊपर वाले से। तो इसे अच्छे रास्तों पर चलकर आगे बढ़िए, किसी के साथ गलत मत करिए, ठीक है, व्यवहार किसी के साथ गलत व्यवहार मत रखिए, आराम से अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ मिलकर रहिए। और मेरी तरफ से मानना है कि तरक्की कुछ छोटी मिल जाए, ठीक है, बस अब किसी को गिरा के नहीं, क्योंकि हर इस टाइम में हर कोई गिरा के आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको सबको सबको लेकर चलना है, ठीक है। तो इसमें जितना टाइम मिलता है आपको उतना पढ़िए। फिर दूसरा, कई लोगों ने पूछा हमसे सवाल कि वो लाइब्रेरी जरूरी है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मेरे भाई। अगर आपको 7 से 8 घंटे जितना भी टाइम, अगर घर में आप लोगों को एकांत मिल रहा है, ऐसी जगह है आपके घर में कि आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो आप लोग वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। आपको कोई लाइब्रेरी में ना ही किसी बड़े शहर में जाने की जरूरत है। क्या है? और याद रखिए, आप लोग डाइट भी उचित आहार लें, मतलब डाइट भी आप लोग अपनी अच्छे से रखिए, क्योंकि क्या होता है कि हम कोई उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो गई। इसलिए हेल्दी रहिए और थोड़ा योगा करते रहिए, ठीक है। योगा तो आपके लिए बहुत लाभदायक है, आप स्टूडेंट हैं, एक अपनी दृष्टि या उसे क्या बोलते हैं अकेलेपन को दूर करने के लिए, इस तरह से किसी पे फोकस देने के लिए किसी टॉपिक पर योगा करते रहिएगा, ठीक है, एकाग्रता बनी रहती है इससे। फास्ट फूड या किसी तेल की बनी सब्जी, तेल ज्यादा मत खाइए, ठीक है, ऐसा खाना खाइए जो आपके शरीर के लिए भी जरूरी है और जिससे आलस ना आए। दूसरा आपका है अनुशासन लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने दिमाग को रिफ्रेश करने की अच्छी तकनीक है कि किसी भी 50 से 55 मिनट आप लोग 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 5 मिनट अपने ब्रेक देके अपना टहल लिया करिए, ठीक है। और फिर दूसरी बात, अगर आपके घर में कुर्सी है, टेबल है, तो बैठ उसी पर बैठकर पढ़िए, क्योंकि आप लोग टिकते हैं या किसी बेड पे जाते हैं तो आलस आने लगता है, नींद आने लगती है। और सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, जब भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उस समय फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, इसको हम डीएक्टिवेट ही कर दीजिए। तीसरा आपका क्वेश्चन क्या था, कैसे पढ़ें, आपने याद रख लिया है। तो आप लोगों को एक बार नॉर्मल पढ़ना है, पूरा सिलेबस कवर कर लेना है, उसके बाद जो याद करने और जो रटने वाली चीजें हैं उन्हें याद रखिए। फिर आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि नोट्स बनाना जरूरी है, तो इसके लिए बता देते हैं कि जब भी एग्जाम पास होता है, 10 से 15 दिन का टाइम रहता है, तब हमारे लिए नोट्स ही जरूरी रहते हैं, क्योंकि पूरी आप किताब का रिवीजन तो कर नहीं सकते हैं। तो नोट्स बनाकर रखिए और नोट्स में वही लिखिए, वही पॉइंट नोट करिए जो आपके लिए, जो रटना जो आपको कठिन लगे, क्योंकि अगर पूरा नोट्स बनाओगे पूरी किताब का तो एक पूरी किताब ही बन गई, फिर उससे अच्छा है कि किताब ही पढ़ लो। तो इसलिए वही पॉइंट नोट करना है आपको नोट्स में जो आपको कठिन लगे, जो आप याद ना रख सके, जिससे आपको एग्जाम के टाइम याद रह सके, ठीक है। किसी ने पूछा था कि ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, तो बिल्कुल भाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। बस याद रखिए कि इस टाइम में आपने देखा होगा कि हमारे पास रास्ते कई हैं, लेकिन हमें चुनना है कि हमारी मंजिल की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है। तो इंटरनेट भी वैसा ही है, मोबाइल भी वैसा है, इसमें टाइम बेकार करने के, समय बर्बाद करने के कई तरीके हैं, ठीक है। और जिसमें अभी सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है फेसबुक, व्हाट्सअप और टिकटॉक, ये कहाँ कहाँ से क्या क्या आ गया, ठीक। तो आपको अपनी जरूरत की चीज के लिए आप लोग बिल्कुल मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, किसी ने पूछा था कि मॉक टेस्ट जरूरी है, तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी क्षमता आपको याद दिलाती है
एक शुद्ध भाषा में कहिए या हमारे विद्यार्थी की भाषा में कहिए तो हमारी औकात पता चलती है मॉक टेस्ट से। जब हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमें अपनी औकात चलती है, ठीक है। और सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस के लिए बता दी गई हैं बुक्स। अभी हम लोग एनसीईआरटी के बारे में बात किए तो एनसीईआरटी रामायण है उसके लिए। फिर आपकी प्राचीन भारत के लिए डी एस सर, मध्यकाल के लिए सतीश शर्मा हो गया, आर एस शर्मा हो गया, और स्पेक्ट्रम हो गई, रमेश सिंह हो गई इंडियन इकोनॉमी, लक्ष्मीकांत हो गई इंडियन पॉलिटी के लिए, और भूगोल के लिए हो गई आपकी पुरानी एनसीईआरटी, ठीक है, भारतीय भूगोल। तो इस तरह के हम लोग जो भी एनसीईआरटी कवर हो जाएंगे तो हम लोग उसके लिए अलग से बताते रहेंगे, ठीक है। और अब न्यूज के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा भी देता हूँ, महीने का महीने करवा देता हूँ, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। अगर आप डेली के लिए कोई करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में आप लोग न्यूज़पेपर ले सकते हैं, जनसत्ता, और फिर या आप लोग द हिंदू अगर इंग्लिश के लिए है, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द इकोनॉमिक्स टाइम हो गया। याद रखिए सभी ई पेपर भी डाउनलोड हो सकते हैं, गूगल से आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और याद रखिए एग्जाम अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो जब आप एग्जाम के टाइम जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो उसमें भी आपको सहूलियत मिलती है, आपको टाइम मालूम चल जाता है कितने टाइम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना टाइम हमें ज़रूरी रहेगा। तो इसमें हम लोगों ने अधिकतर आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस डाउनलोड करिए, उसके क्वेश्चंस पेपर वहीं से शुरू करिए आगे की, और आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग फेसबुक पेज पर या फिर ईमेल पर मुझे मुझे एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग रोकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हुआ करेंगे बताते रहिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को 100% पूरी कोशिश रहेगी कि मदद की जाए। तो ठीक है, यहाँ जुड़कर आप लोग मेरे साथ जुड़कर जीएस का जो भी पार्ट है आपके सिलेबस में मात्र है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कितना हाई लेवल कवर हो रहा है। तो आपका वन डे एग्जाम पूरा कवर होगा, जीएस का पार्ट, करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट यहाँ, ठीक है, मध्य प्रदेश हो फिर चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का हो। तो आप जुड़कर यहाँ और अपने हिसाब से यहाँ जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर स्थित हैं वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट पर हैं अगर कहीं भी हैं आप लोग कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, आगे हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है।